हेलो वेलकम बैक, यू आर वाचिंग अ मैथमेटिक्स ऑन एक्सरसाइज 8.1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दिस इज माय थर्ड क्लास ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, सो हियर द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन। ए 72 लीटर मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। तो जो दूध और पानी का जो मिलावट है वो कितना है, 72 लीटर है। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे दिया, 7:5। उसके बाद बोला गया हाउ मच मोर मिल्क टू बी एडेड। आप उस मिक्सर में कितना दूध ज़्यादा डालोगे जिससे कि पानी और जो दूध का जो यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो क्या बन जाएगा, 9:5 में बदल जाएगा। तो पहले तो मुझे ये देखना है कि जो दूध और पानी का जो मिलावट है उसमें दूध कितना है पानी कितना है, ये भी हम देखते हैं। तो हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते घर पर कि ग्वाले ने कितना दूध में पानी मिलाया है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये कैलकुलेशन हम करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो हम देखते हैं कि मैंने लिखा मिक्सर कितना दे दिया, 72 लीटर। ओके, तो इसमें आपको दे दिया है मिल्क टू वाटर कितना है, 7:5। तो मैं सोचा अगर 7:5 है तो क्यों ना मैं इसको सम ऑफ रेशियो कर लूँ, क्योंकि 72 लीटर में क्या आ गया, दूध और पानी दोनों आए। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, सम ऑफ रेशियो कितना आ गया, देखो 12 आ गया। अब हम देखते हैं कि दूध कितना है पानी कितना, हिसाब पता चल जाएगा। तो देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा, देखो 7/12 इंटू वन 72 लीटर, तो कितना आ गया, देखो 72 लीटर था उसमें 42 लीटर क्या है, दूध है, और पानी कितना है, 30 लीटर है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि ये जो मिलावट है इसमें दूध और कितना डालोगे, कितना और ऐड करना है। तो आप सोचो दूध है कितना, 42, अब इसमें और दूध मिलाना है। तो मैंने लिखा नाउ लेट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड टू द मिक्सर बी एक्स। ओके, मैंने ये सोच लिया कि वो जो मिक्स जो 72 लीटर है उसमें हम दूध और पानी तो हम अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं कैलकुलेशन जो मैंने निकाला है तो अब उसमें मुझे और दूध मिलाना है। तो ये सोच के चलो कि आपके पास में मिल्क कितना हो जाएगा, तो मिल्क कितना 42, आपने उसके बीच में और दूध मिला दिया, ठीक है। लेकिन कोई मिलाता नहीं है, सभी क्या मिलाते हैं, पानी ही मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बता दिया कि इसमें कितना दूध ऐड किया है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 42 प्लस एक्स। ओके, अब आ जाओ पानी। तो जो पानी है कितना, 30 लीटर। पानी में और मैंने कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि वैसे ऐसे कभी होता नहीं है, पानी और मिला देते हैं शरबत बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये वाटर कितना दे दिया, 30। ओके, अब देखो, अब ये जब हुआ तो न्यू रेशियो कितना दिया, 9:5 दे दिया। तो ये मेरा हो गया न्यू रेशियो किसके बीच में, मिल्क एंड वाटर के बीच में, बोलो समझ में आ गया ना। तो अब देखो, अब कैसे लिखेंगे, देखो मिल्क टू वाटर क्या है, 9:2 दिस। तो मिल्क आपका कितना था, 42 प्लस एक्स। ओके, इंटू मतलब डिवाइड कितना, 30 वाट दिस, बोलो समझ में आ गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो लोएस्ट टर्म में चेंज किया, 6 आ गया, तो कैसे बनेगा,
ये 42 लेफ्ट साइड चला गया, राइट साइड चला गया, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आ गया 12। इसका मतलब ये हुआ कि मैं दूध में कितना मिला कितना यानी कि जो मिक्सर है उसमें मैं कितना दूध और मिला रहा हूँ, 12 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सर। ओके तो कैसे लिखेंगे, 12 लीटर मोर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सर। बोलो तो समझ में आ गया ना बच्चों, तो कितना इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन समझना कि क्या दिया है। तो पहला आपका काम क्या है, जो पहला जो स्टेटमेंट दिया है पहले उसको लेके आप करो, उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है उसी के मुताबिक आप उसको सॉल्व करो, देन यू कैन इजीली गेट योर आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 10, और इफ 70x इक्वल टू 21y इक्वल टू 14z, तो यू हैव टू फाइंड x इंटू y इंटू z। ओके तो अब देखो इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तीनों किसमें इक्वल टू में है। ओके तो पहले मैं लिख देता हूँ गिवन, क्या लिखता हूँ गिवन 70x 21y 14z। तो आप देखो इसमें ये तीनों जो नंबर जो दिए हैं, तो मैं देख रहा हूँ द थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, है ना, 7 से होता है, तो मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, देखो 10x 3y 2z, ये जेड है। ओके तो क्या आ गया 2z, क्लियर हो गया। अब देखो तो ये मेरा बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, आपको बस दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ भी इक्वल टू है यहाँ भी इक्वल टू, तो आप करोगे कैसे, तो यहाँ लिख देना लेट, लेट कैसे लिखोगे, 10x इक्वल टू 3y इक्वल टू 2z। ओके तो मैंने इसको क्या मान लिया, k मानता हूँ, क्या मानता हूँ k। ओके तो अब प्रत्येक को k के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, बोलो समझ में आ गया। अब देखो कंपेयर करने के बाद मैं इनको डिवीजन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि x का y का और z का क्या वैल्यू आएगा। ओके तो अब देखते हैं क्या आता है, अगर मैं x का वैल्यू बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, देखो बोलो क्लियर हो गया, फिर आ जाओ y का, यह आ गया z का। अब देखो x y z अलग अलग हो गए, अभी हम करेंगे क्या, देखो नाउ अब आप देखोगे ये मेरा बन गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अभी क्या है, फ्रैक्शन में है, जब ये फ्रैक्शन में होगा तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको आप क्या करोगे, एलसीएम करना, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यू विल गेट 60, कितना मिलेगा 60 आएगा। अब आपको तो एलसीएम करना आता है क्योंकि आप लोग ग्रेट हो, मुझे मालूम है कि आप लोग आसानी से एलसीएम कर सकोगे, तो इसका एलसीएम करके कितना आएगा, आप 30 कर लो, कितना 30, 60 भी लिख सकते हो, फिर बाद में काटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या आ गया 30 आए। तो देखो अगर 30 आता है तो कैसे, तो प्रत्येक जो रेशियो है उसको आप करोगे क्या, इनटू कर देना, ओके अब देखो तो इसमें मेरा क्या आंसर आएगा, देखो ये मैंने लोअर टर्म चेंज किया तो 3k आ गया, ये क्या हो गया 10k, ये क्या आ गया 15k। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे x y z तीनों का मैंने रेशियो बना लिया, अभी और एक काम बाकी है, वो काम क्या मालूम है, वो काम है कि तीनों में कॉमन है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 से मैंने डिवाइड किया था तीनों के साथ, तो वैसे ही हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, k के साथ। अगर मैं k के साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास
आंसर आ जाता है 3 × 10 × 15, ये हमारा आंसर आ गया। तो बोलो समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कितना आसान है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो जो फ्रैक्शन होगा, आई मीन जो पहले एलसीएम किए, एलसीएम करके इनटू करोगे, इनटू करने के बाद जो फ्रैक्शन बन जाएगा उसके बाद आप इसको ये आपका निकल आएगा आंसर। तो ये किस में निकला है आपका, नेचुरल नंबर में बन जाएगा। अब जहाँ कॉमन हो गया आप उसको डिवाइड कर दो, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो समझ में आ गया ना बेटा? बाय बाय।